सबसे आसान यह जो वशीकरण उपाय हैं, इन सरल से उपायों को करने के बाद आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, किसी का भी सम्मोहन कर सकते हैं आप खुद ही। तो क्या है ये सरल से उपाय, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको माता श्यामपुर मोहिनी, जो वशीकरण की देवी है, जो किसी को भी प्यार के बंधन में बांध सकती है, किसी का भी सम्मोहन कर सकती है, तो इस देवी के बहुत से मंत्र इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। और इसी देवी के कुछ टोटके होते हैं, कुछ उपाय होते हैं। जो साधक मंत्रों का जाप, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो वह इन उपाय और टोटकों के द्वारा भी शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं। और ये जो वशीकरण करने वाली साधना हैं, या उपाय हैं, या टोटके हैं, तो इनकी जो जानकारी है आपको साधना और समाधान चैनल के माध्यम से अक्सर प्राप्त होती रहती है। और इस जानकारी के बाद आप कोई भी धागा, सूत्रता, बीज, जंतर, इत्र वगैरह या कोई सिद्ध सामग्री आप खुद तैयार कर सकते हैं घर बैठे। तो ऐसे ही आज यह जो सरल से कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बहुत शक्तिशाली और पावरफुल हैं। इन उपायों में से जो भी आपको सरल लगे, कोई भी उपाय आप करना आरंभ कर दें, तो जब आप इस उपाय को आरंभ कर देंगे, तो जिस किसी विशेष व्यक्ति के लिए आप इस वशीकरण विधि का प्रयोग करेंगे, सम्मोहन के बंधन में जिसे आप बांधना चाहेंगे, तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा, आपके बिन नहीं रह पाएगा, अगर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ किसी भी उपाय को आप करेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे कोई रुष्ट होने के बाद, किसी लड़ाई झगड़े के कारण आपसे कोई अलग हो चुका है और उस व्यक्ति को आप दोबारा से पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तब भी आप इन टोटकों को, इन विधियों को अपना सकते हैं। तब भी आपको जो वशीकरण करने वाली पावरफुल शक्तियां हैं, केवल उपाय के द्वारा ही आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी का भी घर में कला क्लेश रहता है, कोई भी हो, चाहे वह भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, तो तब भी आप इस वशीकरण शक्ति का, इन उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से प्यार के बंधन में बांधने वाले ही ये उपाय हैं। पति पत्नी में अगर अनबन है, तब भी वह इस उपाय को कर सकते हैं। जैसा वशीकरण चाहते हैं वैसा ही वशीकरण होगा, प्रचंड वशीकरण होगा, शक्तिशाली वशीकरण होगा, और बिना मंत्र के। लेकिन ये जो वशीकरण उपाय हैं आपको रेगुलर करने होंगे। उसका कारण क्या है कि जिस देवी के जो उपाय हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला है, माता श्यामपुर मोहिनी के वशीकरण उपाय, तो इन उपायों से माता श्यामपुर मोहिनी जागृत होगी। जैसे हम शिव शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, सावन का महीना आरंभ हो चुका है, तो जैसे एक लोटा जल का हम चढ़ाते हैं भोलेनाथ जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, तो हमें बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति होती है, भोलेनाथ हमें वरदान देते हैं और हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसे ही कोई भी शक्ति है, जब हम उसको जागृत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो जैसी हमारी भावना होती है, जैसी इच्छा लेकर हम उस उपाय को करते हैं, तो वैसी ही इच्छा वह शक्ति हमारी पूर्ण कर देती है। तो सबसे पहले जो वशीकरण करने वाला उपाय है, आपने एक लोटा लेना है, घर से एक लोटा ले लें, उस लोटे में जल डाल लें, पानी डाल लें, और दो चम्मच या 5-7 ग्राम कच्चे दूध के उसमें डाल देने हैं आपने। उसके बाद एक चुटकी 5-7 दाने आपने मिश्री के, मिठान के डाल देने हैं। केवल यही जो लोटा जल का है, आपने सोमवार से आरंभ हो जाना है, किसी भी सोमवार से,
सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, फ्राइडे तक आप रेगुलर आप अपने मन में कामना धार कर जिसका वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेते रहें। और माता श्याम गुरु मोहिनी का ध्यान धरने के बाद आपने ये जो लोटा जल का है पीपल वृक्ष की जड़ में आपने डालते रहना है। सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो तभी आपने पाक साफ होकर शुद्धता के साथ ये लोटा आप डालें, तो 5-7 दिन में आपकी जो इच्छा है वशीकरण करने वाली तो पूर्ण रूप से वह पूर्ण हो जाएगी, वह व्यक्ति आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा और किसी न किसी रास्ते वह व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश करेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। और दूसरा जो उपाय है वशीकरण करने वाला, तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई आंकड़े का पौधा देख लें, आत्मदार का जो पौधा अगर आपके आसपास है तो वहां पर भी आपने ऐसे ही एक कच्ची लस्सी का लोटा, कच्चा दूध और पानी और थोड़ा सा मिठान मिलाकर, अब आपने दो लड्डू लेने हैं बूंदी वाले, दो लड्डू बूंदी वाले ले लें। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो आपसे रुष्ट होने के बाद कहीं दूर चले गए हैं, उनको आप दोबारा से अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यह जो लोटा जल का है आंकड़े के पौधे की जड़ में सुबह या शाम एक समा बांध लें, तो आपने रविवार से लेकर रविवार तक रेगुलर इस लोटे जो है पानी का आंकड़े के पौधे की जड़ में डालते रहना है और दो लड्डुओं का जो भोग है माता श्याम कुर मोहिनी को आपने लगाते रहना है। इससे भी आप किसी को भी प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, मनचाहा सम्मोहन कर सकते हैं, आपका आकर्षण पड़ेगा जब इस विधि का आप प्रयोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो भी आप उपाय करें तो मन में धारणा करनी है कि किसके लिए, किस विशेष व्यक्ति के लिए मैं वशीकरण करने जा रहा हूँ, उसको अपनी आंखों में अपने हृदय में बसाने के बाद आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर कर देखें तो वह व्यक्ति आपके बिन नहीं रह पाएगा। और जो ये तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके घर में कला क्लेश रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, अगर आपका कोई बॉस है, अगर आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और जो यह उपाय है तो इसके लिए आपने थोड़े से मीठे चावल बनाने हैं, थोड़े से मीठे चावल घर में मीठे चावल बनाने, जे आपने गुरुवार से आरंभ करना है, किसी भी गुरुवार से आरंभ कर लें मीठे चावल बनाने हैं। जो मीठे चावल है 7 लौंग 7 छोटी इलायची उसमें डालनी है, थोड़ा सा देसी घी डालें, छोटी सी कटोरी एक बना लें। तो आप जिसको प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो चावल हैं चावलों के साथ दो अगरबत्ती आपने जो केले का पौधा होता है उसकी जड़ में चढ़ाना शुरू कर दें रेगुलर। तो जो पति पत्नी की अनबन है, घर में कला क्लेश, अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इस उपाय को कर कर देखें। तो गुरुवार से लेकर गुरुवार तक आपको ये रिजल्ट देने वाला उपाय है, शक्तिशाली उपाय है। और अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये तामसिक है, जिनके घर में तामसिक कोई इष्ट है, देवी देवता है, अगर हम आप उनकी पूजा करते हैं तो ये तामसिक विधि के द्वारा आप इस उपाय को करें तो ये शक्तिशाली ब्लैक मैजिक का एक तरह से ये टोटका है, ये उपाय है। तो इसके लिए आपने 7 प्रकार की मिठाई लेनी है, एक एक पीस, और 1 क्वार्टर 1 पबुआ आपने देसी शराब का लेना है, और 1 आपने सिगरेट लेनी है, और 1 आपने मीठा पान लेना है, और 1 आपने दिया लेना है तिलों का तेल डालने किसी दिए में। और यह जो उपाय है रविवार से लेकर रविवार तक रेगुलर, या तो किसी नदी के किनारे जहाँ पर पानी बहता हो वहाँ पर कर सकते हैं, या आंकड़े आकमदार के पौधे की जड़ में कर सकते हैं, या फिर माता श्याम गुर मोहनी का कहीं पर मंदिर हो तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने वह जो दीपक है उसको रोशन कर देना है, और
जो वह मदरा है, शराब है, उसका ढक्कन खोल लेना है। उसके बाद सात प्रकार की मिठाई, मीठा पान और जो शराब है, अपने माथे को लगाकर जो आपकी कामना है, जैसा भी वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको भी आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, जिसका भी सम्मोहन करना चाहते हैं, प्रचंड वशीकरण होगा इस विधि के द्वारा। तो आप रविवार से लेकर रविवार तक आंकड़े आगमदार के पौधे की जड़ में जा, जो मैंने आपको स्थान बताए हैं वहां पर इसको सुबह या शाम, सुबह भी कर सकते हैं इस उपाय को, शाम को भी कर सकते हैं, वहां पर दिया जला दें। दिया जलाने के बाद ये लूहा चढ़ा दें और जो मदरा है, जो शराब है, आपने तीन धार नीचे दे देनी है, क्योंकि माता श्याम कुर मोहनी की 370 सिरखी चलती है इसके साथ। और इसके साथ एक सिगरेट भी आपने लेकर जानी है, वो सिगरेट को भी रोशन जलाकर वहाँ पर आपने रख कर आना है। इसके जो ये उपाय है बाबरियों के साथ, जो माता रानी के धर्म के भाई हैं और 370 सिरखी माता की चलती है, तो ये प्रचंड वशीकरण होगा आप जब आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। ये तामसिक है, क्योंकि बहुत से साधकों ने, बहुत से भक्तों ने बोला था कि गुरुजी कुछ ऐसे उपाय बताएं जिनको हम सरल सी विधि के द्वारा कर सके। तो देखो इतने मैंने आपको उपाय बता दिए, इनमें से कोई भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन ये उपाय काम किन के लिए करेंगे, जिनको श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। अगर आप पहले ही सोचेंगे कि कुछ नहीं होने वाला, तब फिर भाई कुछ नहीं होगा। अगर श्रद्धा, विश्वास, आस्था है, तब आपको जो जो वशीकरण करने वाली शक्ति है, समोहन की देवी माता श्याम कुर मोहनी आपको प्रदान करेगी। तो ये थी माता श्याम कुर मोहनी के कुछ सरल से उपाय, किसी को प्यार के बंधन में बांधने वाले। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी हम वीडियो डालते रहते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।